बहू नहीं, मेरी बेटी है। आज अंग्रेजी नहीं आओ, नहीं तो गुजराती हाथ उठी जैसे। तुम आग से खेल रही हो अनुपमा, याद रखो आग से खेलोगी तो जलोगी भी खुद ही। एक माँ हाथ में चिमटा लेके दिन में 10 बार आग में हाथ डालती है और तू मुझे आग से डराने चली है। आज डरने की बारी तेरी है अनुपमा। तुम देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ यार, क्या मस्त मैच चल रहा है। 12 बॉल में 30 रन 3 विकेट, मैच तो सही फंसा पड़ा है। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि बैट बॉक्स भी फंसा पड़ा है? बेबी हो छक्का जी, बैट बॉक्स। हाँ अरे नहीं नहीं, वो मेरे वेट की वजह से दब गया होगा, रुको मैं उस तरफ शिफ्ट होता हूँ। अरे नहीं, 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 तुम्हारे वेट की वजह से नहीं, ये बारिश की वजह से फंसा हुआ है, फूक गई है लकड़ी। कमियो ना, हेल्प मी। रुको ना, 12 बॉल बचे, फिर करता हूँ। अरे अभी तो ऐड आ रही है, 2 मिनट लगेगा, खोल दो यार। ओके या इस साल मुझे नवरात्रि क्वीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले साल मैंने ये नहीं पहना था ना, इसलिए हार गई थी। अच्छा मैं सोच रही थी इस साल हमें बेस्ट ड्रेस्ड कपल में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। नवरात्रि क्वीन नहीं बनी तो एटलीस्ट बेस्ट ड्रेस्ड कपल मिल जाएगा, आई मीन चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? ओके। मेरे पास तो अच्छा ड्रेस है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा आउटफिट ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, पता है लास्ट ईयर कल्पेश एंड जिग्ना हैड वन इट, और कल्पेश ने ना केडियो पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और तुम पे तो क्या जचेगा, तुम तो लंबे हो, कितनी अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी, क्या फॉल आएगी, ट्रू काठियावाड़ी लोगे तुम। तुम पहन लोगे ना केडियो? हाँ पहन लूंगा, पहन लूंगा। ओ अमेजिंग, फिर तो बस बेस्ट है, मैं जुगाड़ करती हूँ। बेबी, अरे बेबी को मत बुलाओ, लास्ट ओवर बचे। ओ कितने मैच चाहिए इंडिया को जीतने के लिए? इंडिया नहीं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रही। इंडिया खेल ही नहीं रहा तो फिर क्यों देख रहे हो तुम? नहीं हो रहा था फिर भी कर रही थी। अरे बेबी तेरे चक्कर में बुरी बन गई। बोलो काय जी। अरे सुनो, ये मेरा चनिया चोली है, इसमें ना बहुत सीलन की स्मेल आ रही है, इसको सुबह धूप दिखानी है छत पे। हाँ टाइम कहाँ रहा जी? टाइम 10 बज रहे हैं। अरे धूप कब है दिखाने? सुबह नाश्ता वाश्ता करा के 10 बजे के आसपास ले जाना। सुबह 10 बजे जी? जी रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे के बीच में कितने घंटन को फर्क बहुत है। एग्जाम ले रही हो मेरा? परीक्षा तो तुम हमारी ले रही जी, हमारी सब्र की। जो काम 12 घंटे बाद करने हैं भाई 12 मिनट बाद भी बता सकती ना, इतने जरूरी काम छोड़ के आए हम। भी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, मैं बता रही हूँ तुमको, चुप हो जाओ, तुम आग से खेल रही हो। जी हम रसोई हैं, दिन में 10 दफा आग में हाथ देते हैं। आग में तो चिमटा डालती होगी ना तुम, हाथ डालोगी तो हाथ जल जाएगा, टर्मिनेटर थोड़ी हो तुम। चिमटा ही सही भैया, लेकिन हम आग से डरत नहीं। और जिज्जी रसोईया चाहे ना तो घर को चूल्हे चौको बंद करा सकत है, पूरे घर को भूख की आग में जला सकत है, लेकिन हमारी अम्मा ने हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है जैसे हम ऐसा कछु नहीं करें। जुर्म करवे वाले से जुर्म सेवे वालों बड़ो अपराधी होता है। लेकिन जिज्जी जा देना हमारा बांध टूट गो सब्र को, बा देना सैलाब आए सैलाब। चुप क्यों बेबी, जवाब दो, आग से खेलना अच्छा लगता है? नहीं जी, हम का खेले आग से, हम कोई बच्चा थोड़ी ना है, डरे हैं धूप में कल। निकलो अनुपमा जी, बाहर निकलो। मोड़ा मोड़ी ने खाना खा लो, ख्याल रखियो उनको है। और सुनो
उन्हें बता दिए होगे हम उन्हें बहुत याद कर रहे थे। मिस कर रहे थे उन्हें बेबी। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन कराते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं जी। तो 13 घंटे पहले जो मैंने तुम्हें काम बोला था वो किया क्यों नहीं? ये अभी तक धूप में क्यों नहीं रख के आई? सारी जिज्जी, गलती हो गई हमसे। 100 काम करत करत बाकी बीच में एक काम जो भूल गए वो गलती हो गई हमसे। जागर में काम करने के साथ साथ हम एक माँ भी हैं, वो गलती हो गई हमसे। कौनों की बीवी है, बहन है, बेटी है, ये गलती हो गई हमसे। अरे अरे अरे, तुम तो इमोशनल हो रही हो। मैं मेरा वो मतलब नहीं था। अब डाल दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं जी, तो हम डाल दें, लेकिन तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम हमसे गुस्सा हो लो, तुम हमें चाटा मार लो, हम जाए लायक हैं। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही हो? आई एम सॉरी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। मुझे पता है तुम बिजी रहती हो, तुमने सुबह से कितने काम किए होंगे। पता नहीं क्यों मैंने डांट दिया तुमको। सुनो, ये मैं डालती हूँ ऊपर, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट तुम मुझे काफी स्ट्रेस लग रही हो। एक काम करो, टेक द डे ऑफ, छुट्टी मनाओ, कुछ मत करो, खाना भी मत बनाओ, बाहर से मंगा लेंगे ना। हाँ ठीक है जीजी, तुम अगर खाना बाहर से मंगा रही तो जी हम छत पे डाले। लेकिन जीजी भेज मंगाइयो, नवरात्रि में हम नॉन वेज नहीं खा रहे। करवा चौथ पे क्या गिफ्ट है यार? सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है ना कि ऋषि इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। उसकी उम्र लंबी हो बस। अरे हाँ वो तो है, पर तुम पूरे दिन भूखी रहोगी उसके लिए। गिफ्ट तो बनता है यार। कुणाल मुझे एक जोड़ी बैंगल्स खरीद के दे रहा है। मैं 2 महीने से सोच रही थी कि कोई ओकेजन आए तो लूं, और करवा चौथ से बेटर क्या ओकेजन हो सकता है। अच्छा कुणाल भैया, तुमको हर करवा चौथ पे कुछ ना कुछ देते हैं? ऑफ कोर्स। क्या तुम भी सोच रहे हो तुम्हें क्या चाहिए? I have to go now, हाँ? सितारा की स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। ओके बाय। ओके ओके बाय। रोहिणी, ये ऐप्स बंद करो, सारी ऐप्स हमारी बातें सुन रही हैं। कौन सी ऐप? तेरे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। वगैरह कौन सी ऐप है? वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा यार। कैसे? देखो आजकल सब जगह नवरात्रि की बातें चल रही हैं। उस दिन तुम भी बात करी थी गरबा डांडिया की, तब से मेरे फोन पे सिर्फ नवरात्रि फेस्टिवल की ऑफर्स आ रही है। फाल्गुनी पाठक का पास 25% ऑफ पे मिल रहा है। सोचो, डांडिया, मोजड़ी, चनिया चोली, मेंस चनिया चोली। आई एम टेलिंग यू, AI इज टेकिंग ओवर। वो दिन दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कंट्रोल कर रही होगी। एंड दैट इज द डे आई विल शाइन, वाइन, डाइन and be just fine because I am UI. Ultimate intelligence. एक सेकंड, ये AI वो आए UI तो ठीक है, लेकिन मेंस चनिया चोली क्या होता है? अरे मेंस वो नहीं होता कि ऊपर एक स्कर्ट होती है, नीचे एक स्कर्ट होती है, फिर ऐसे डांस करते हैं जब, तो दोनों स्कर्ट छाते की तरह मूव। वेट, अच्छा ये बेबी, ये मेंस चनिया चोली नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल आउटफिट है, इसे बोलते हैं KDU। KDU क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म KDU नहीं, तुमने हाँ बोला था ना इसे पहनने के लिए। KDU, KEDIYU। भाई मी रोहिणी, मैंने हाँ बोला था कब? अरे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बेस्ट ड्रेस्ड कपल का अवार्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। डिस्कस मतलब आई वाज पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन? या रियली? जब बेड बॉक्स फंस गया था। ओ, जब मैं न्यूजीलैंड का मैच देख रहा था। हाँ, तुमने बोला था ना कि तुम पहनोगे KDU। I must be KDU, kidding you. मैं नहीं पहनूंगा। नहीं पहनोगे? Of course not. मेन बात तो ये है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं ऋषि, नहीं सुनी थी ना? अब तो एडमिट कर लो कि तुम मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है रोहिणी, जो तुम सुनाती हो मैं सुनता हूँ, पर जो तुम बोलती हो ना वर्ड्स बहुत सारे होते हैं ना, कुछ कुछ मैं मिस कर जाता हूँ। बता दो यार साफ साफ, पहनोगे कि नहीं? ओके बेबी, नहीं पहनूंगा। मतलब
बेस्ट ड्रेस्ड कपल्स अवार्ड तो गया। अवार्ड तो गियो। बेबी। आ एक कप गर्मा गर्म चाय बनाओ, अदरक कूट के, इलायची पीस के, 2 चम्मच चीनी के साथ गाओ। क्या वो ऐसे क्यों देख रही हो? हम एक औरत हैं भैया। Of course, I'm well aware. And the best part is, not only are you a biological woman, you even identify as one. Which is awesome, because in today's time and age, gender identity confusion is a global crisis. बहुत हो गई तुम्हारी अंग्रेजी भैया। अब बुंदेलखंडी चले। हम औरत हैं तो कहाँ हम चाय बनाएं? No. It is not a sexist thing. I mean, तुम चाय इसीलिए बनाओगी क्योंकि तुम इस घर में काम करती हो। तो चाय बनाना, खाना बनाना, सफाई करना, इस घर को मैनेज करना, all this comes under your SOW, scope of work. मैं भी काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, ट्रैफिक में, धूल में, मिट्टी में, ऑफिस में काम करता हूँ, प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ, बजट्स बनाता हूँ, स्टाफ मैनेज करता हूँ, पैसे कमाता हूँ. क्यों? ताकि तुम्हें पगार दे सकूँ टाइम टू टाइम. तुम्हारे पास काम जहाँ से है भैया, काहे कि तुम्हारे हाथ में डिग्री है. और डिग्री का ज्यादा घमंड नहीं दिखाओ, काहे कि आदमी के हाथ में होत है डिग्री, लेकिन औरत के हाथ में चिमटा, बेलन, झाड़ू, दवाई की पर्ची, दूध का हिसाब, गोद में 2 बच्चे, कंधों पे सास ससुर, पति के 3 टाइम का खाना, कपड़ा, सफाई की जिम्मेदारी और पैरों में परंपरा की बेड़ियां. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चाय मैं बना लूंगा, तुम पियोगी? टेक इट इजी. Hormones are acting up. अनुपमा जी बाहर निकलो.